यार वेलकम बैक वंस अगेन। अभी मैं बैठा हूँ शेफ अमित के साथ और ये यहाँ पर स्वादिष्ट रेस्टोरेंट में काम करते हैं बर्लिन जर्मनी में। शेफ आपको यहाँ पर जर्मनी में कितना समय हो गया? मैं आया था फर्स्ट में अगस्त में आया था 2019 में आया था। अच्छा, तो तब से मैं यहाँ पे हूँ 2019 में। आपने आने के बाद यहाँ पर कितने रेस्टोरेंट या जॉब चेंज कर चुके हो? मैं यहाँ पे आने के बाद जर्मनी में आया था, रेस्टोरेंट में आया था, तो यहाँ पे मुझे 1.5 साल से काम किया मैंने वहाँ पे। अच्छा, फर्स्ट रेस्टोरेंट में? हाँ, 1.5 साल काम किया मैंने। उसके बाद मैं वहाँ से काम थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ओके। तो उसके बाद मैं एम्प्लॉयर के साथ, शेफ के ओनर के साथ? ओनर के साथ में। अच्छा, ओनर के साथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था तो उसके बाद मैंने जॉब चेंज किया। तो मैं उसके बाद म्यूनिख चला गया था। अच्छा, यहाँ बर्लिन से सीधा म्यूनिख? हाँ, म्यूनिख चला गया था। तो म्यूनिख मैं वहाँ पे कुछ टाइम रहा, वहाँ पे 3 महीने रहा ऐसे ही रहा कुछ समथिंग। उसके 3 महीने के बाद तो फिर मैंने इससे कॉन्टेक्ट दीपक भाई से हुआ। ओके। और फिर उन्होंने मुझे ऑफर किया था यहाँ पे। अच्छा, तो फिर मैं वहाँ से यहाँ पे आ गया। ओके। तब से मैं यहाँ पे हूँ उनके साथ में अभी तक हूँ। क्या आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है इंडिया में उसके बारे में थोड़ा बताइए, कितना एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो आप? मैं 2006 से मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ। अच्छा, तो मैंने 2006 से लगा लो आप। ओके, अभी तक? हाँ, अभी तक मैं। और फिर मैं बीच में दूसरी कंट्री में रहा, बैंकॉक में। ओके। तो वहाँ पे भी 1.5 साल का एक्सपीरियंस रहा मेरा। अच्छा, वहाँ पे भी इंडिया के बाहर? हाँ, बैंकॉक में। ओके। 1.5 साल में वहाँ पे रहा, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया था। उसके यूरोप नहीं आया, उसके बाद मैं इंडिया गया। इंडिया में 2015 में इंडिया चला गया था। उसके बाद में फिर इंडिया में जॉब किया मैंने। ओके। तो फिर 2019 में मैंने यहाँ पे आया। आपकी स्पेशलिटी क्या है? मेरी साउथ इंडियन स्पेशलिटी। क्या क्या बना लेते हो? साउथ इंडियन में काफ़ी है। 5 डिश बताओ जो आप मतलब एकदम फाड़ बनाते हो। 5 डिश तो काफ़ी है वैसे, डिशेज पे तो मेन्यू बना तो मेन्यू बना दो क्या? 5 5 इसलिए पूछ रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे चलता है इडली चलती है, डोसा चलता हमारा, वड़ा चलता है। ठीक है, अभी फिलहाल तो यही यहाँ पे है, इतना ही यहाँ पे। तो अभी हम लोग इसका मेनू बढ़ाने ही सोच रहे हैं और काफ़ी चीज़ इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट जो हमारा है पेवर भेज है। तो यहाँ पे जैसे अगर नॉन वेज होता तो काफ़ी लंबा चौड़ा बन जाता था। Okay. जो अभी यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि अभी भेज का है तो उसका भी नया और रेस्टोरेंट ओपन होएगा था हमारा, तो ये उसमें और काफ़ी Okay. खाने का डिशेज डालेंगे हम लोग उसमें। Okay. तो यहाँ पे लोगों को अच्छा लगेगा। राइट। शेफ, आज जो हमें लोग देख रहे हैं ये वो लोग हैं जिनको आपके जैसे जॉब चाहिए यूरोप में, राइट? हर किसी का ड्रीम होता है यार, एक अच्छी जगह पे नौकरी करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे, पैसे अच्छे हैं ना। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जो आपकी जो जर्नी रही है इंडिया से जर्मनी तक की, उसको मैं थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगा अभी, ठीक है? आप जब, हाँ, एक और चीज़ पूछनी थी मेरे को कि आपने जो इंडिया में काम कर रहे थे, आपने 5-star होटल के साथ काम करके आए हो, कौन से ब्रांड के साथ? मैंने ताज में काम किया मैंने, ताल एंड सैंड मुंबई में, और फिर मैंने रेडिसन में काम किया, रेडिसन ब्लू में। राइट। तो उसमें मैं अभी काफ़ी टाइम से उन्हीं कंपनियों में काम किया मैंने काफ़ी टाइम से। राइट। और आपने जर्मनी ही क्यों चूज़ किया? जर्मनी मुझे यूरोप में थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एक बार यहाँ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए आदमी को। राइट। ओके। लाइफ में आके कहीं दूसरी बाहर जाके एक्सपीरियंस मिल जाता तो आदमी को काफ़ी वो क्या बोलते उसको, सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ मिलती है। राइट। रहन सहन, खाना पीना यहाँ का कैसा है। और आपको ये जो जॉब मिली, जो पहली वाली जॉब जर्मनी में बर्लिन में थी, वो किसी के थ्रू मिली या आपने खुद से ढूंढ के निकाली, कैसा? नहीं नहीं, यहाँ जो जहाँ पे मैं पहले काम जॉब करता था, तो उस रेस्टोरेंट का हुनर एक बार इंडिया गया था, तो मेरे फ्रेंड है वहाँ पे जॉब करता था। ओके। तो उन्होंने ऑफर किया था उनको। अच्छा, तो किसी के थ्रू? हाँ, तो भी वहाँ पे मेरा फ्रेंड था, तो उसने बोला था ऐसे अगर आपको ज़रूरत हो तो मेरे फ्रेंड है वो वहाँ पे जाने के च्वाइस है। तो उन्होंने फिर बात हुई, तो फिर मेरे पेपर भेजे, तो फिर उन्होंने यहाँ से मेरे को एग्रीमेंट भेजा वहाँ पे इंडिया में। अच्छा, ओके। हाँ, ओके।